परचा! ओह ये हेमंत फिर से गायब हो गया। परचा! क्या करूँ इस लड़के का? परचा! पापा पापा। हाँ क्या? कहाँ हो तुम? भैया, पापा किसी भी घर के किसी भी संदूक में नहीं है हेमंत भैया। कबर्ड में देखा? नहीं। फ्रिज में देखा? वहाँ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन में देखा? वहाँ भी नहीं है। वो मुरली अंकल के टेरेस पे जो कपड़े टांगने वाली वो रस्सी होती है उस पे प्रीतेश की साइकिल चला रहा था ही करके उस पे देखा? वहां से तो रस्सी ही गायब है। रस्सी गायब है? हाँ। हाँ, वो बिचारी आना ने भी हेमंत को नहीं देखा है। अच्छा तूने आना को देखा? हाँ हाँ वो तो। और वो कब से बिचारी होगी? यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तू पहले ऐना के घर क्यों भागता है? उसे मेरे जूते नहीं मिल रहे थे तो ऐना के घर चला गया जूते ढूंढने। नहीं भैया वो तो मैं लेने गया था क्योंकि मैं ही छोड़कर आया था। मेरे जूते तूने ऐना को क्यों दिए? अरे मेरे एक जूते में ऐना के दोनों पांव और दोनों हाथ आ सकते हैं, ऐसे चलेगी वो? अरे हाँ या पहनने के लिए नहीं। बेचारी ऐना के रूम में एक जंगली सा कॉकरोच घुस गया। अच्छा। तो चिल्लाने लग गई, ओह माय गॉड कोई जूता लाओ कोई झाड़ू लाओ। इसलिए मैं उसे तो बेसिकली तू ऐना का पर्सनल वो खड़क सिंह है, वॉचमैन है, हा? कि हमेशा उसके दरवाजे के बाहर चला मैम साहब वो आपके घर में मच्छर है, मच्छर मारने में एक्सपर्ट है, इधर रखो मच्छर मारता है। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात? ये मत कर, ये वर्षा खा गई। ओहो तुम्हारी मम्मी भी है ना इंसानी मम्मी बन गई है, डेढ़ डेढ़ घंटा लेती है नहाने में और बाद में बाल सुखाएगी। वो गर्म हवा छोड़ने वाली बंदूक ऐसे सर पे लगाएगी। हेयर ड्रायर। हाँ हाँ वही हेयर ड्रायर। और आईने में देखकर ऐसे ऐसे हंसते हंसते अभी आएगी। क्या हुआ वसन गिरने वाली एक दिन? अच्छा क्या हुआ वसन? हेलो आगे आप? पकड़ो पकड़ो टेडी गिर जाएगी नीचे आ जाओ। क्या कहाँ है आपका वो हीतेस? आ जाए मैं वहां तक पहुंचू तब तक तू आ ही जाए। ये कौन सी रस्सी है मम्मी? ये पैर ऐसे करने में भी कंपनी दे रहा है। ये चिकनी चमेली और ये चिकना चमेला। और ये रस्सी कहाँ से मिली? अंकल के टेरेस से। हाँ। अच्छा ये वही रस्सी है? बहुत अच्छा काम किया तुमने बच्चा, बहुत अच्छा किया, इसको बांध के रखा। अब मैं जहाँ जाऊंगी ऐसे ही जाऊंगी और जब धूप ढूंढने जाऊंगी तो आप सबके पैरों में बांध के जाऊंगी। ओ? ओ? पापा ये क्या है? ये इंसानी सुपर पावर है। ये क्या करता है? ये वो कर सकता है जो हम सबकी सुपर पावर्स मिलकर भी नहीं कर सकते। बिछड़ों को मिला था तो ये भी हो सकता है ना वसन कि ये हमें हमारे 2015 से भी मिला दे। भैया अब भावना आंटी हमें नास्तिक नहीं कहेगी। लेकिन पापा नास्तिक तो शहर का नाम होता है ना? वो नासिक। वसन क्या इनके सुपर पावर्स हमारे हेमंत को? नहीं इसमें इतनी भी पावर नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं ऐसे चाकू मारता है क्या? अरे मैंने जानबूझ के चाकू नहीं मारा। मैं तुम बीच में आ गया था, बाय मिस्टेक लग गया। अरे सॉरी तो बोलो। सॉरी सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। सॉरी बोलने पे वो 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 फेमस एक्ट्रेस प्रीति का सरनेम क्या है? जिंटा। सॉरी बोलने से मरेला इंसान जिंदा नहीं हो जाता है? जिंटा का जिंदा तुमको समझ में आया ना? ऐसा कोई जंगली के माफिक चोरी मारता है? जब अभी अपने रॉनी के हाथ पे चाकू मारा? अरे मिस्टर घोटाला वो नहीं नहीं रॉनी को नहीं उसका फेवरेट स्टूल को बाय मिस्टेक ऐसा स्क्रैच लगा। इतनी सी बात के लिए? ये रॉनी आए फर्नीचर उसके वास्ते तो हो। लास्ट टाइम हमारा घर का एक कुर्सी टूट गया उसके वास्ते उसने शोक सभा मनाया था। यू डोंट बिलीव मी देखो उधर कुर्सी उसके ऊपर हार।
ओ, मुझे लगा कोई बैठना भूल गया उस पे। सी? अरे बाबू। अरे तुमको क्या मालूम? ये मेरा फेवरेट कुर्सी था। मैं इस पे बैठ के रोज वो फेमस एक्टर विनोद का सरनेम क्या है मैंने? कन्ना। इस पे बैठ के मैं रोज कन्ना खाता था मैं। और जॉनी दिस इज टू मच। जिंदा का जिंदा, कन्ना का कन्ना। अभी वो इम्पोर्टेंट है ये। ए, तुम इधर क्यों आया? तुमको क्या मालूम मैन, जब फर्नीचर टूटता है तो दिल पे क्या बीतता है? रॉनी, मिस्टर गोटाला, तुम काय के वास्ते आया इधर में? तुमको कुछ मांगता है फ्रिज में रखने के वास्ते? हाँ, वो भावना आंटी कह रही थी कि घर में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा होना चाहिए। हाँ। तो रॉनी से रिक्वेस्ट करने आया था कि हमारे लिए एक लकड़े का मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बना दे। चारो फोर इन वन, बहुत अच्छा आइडिया है। रॉनी तुम्हारे वास्ते ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब होएगा। हाँ, और कल आंटी भावना के वहां पूजा भी आए मैन, उधर ही तुम इनॉग्रेशन करेंगे। ओके ओके। ओहो, ए चकुड़ी, चल जल्दी झाड़ू पोता चालू कर देते हैं हम लोग। ओहो, कल रांडल मक्की पूजा है, खांडी एक काम पड़ा है। और ए बाबा, थोड़ा हाथ चला ना बेटा। हाँ बा। और ये सोफा और सब, मैंने तुझे हाथ चलाने को बोला, मुंह चलाने को नहीं। अरे बा, हाथ की चक्री मुंह में डाल रहा हूँ, ये देख, ये देख। ओहो, मैं पोछा। ये पोछा है कि पापड़? रॉन्ग नंबर। बेटा, ये सूखा क्यों लेके आई? गीला लाना था। हाँ, एक काम कर, पानी की बाल्टी ले, फिर पानी भर, ये पोछा उसमें चबोल और गीला करके लेके आ जा। तो बराबर। ओहो, लेकर आ जा अभी। हाँ बेटा, जा अभी लेकर आ। हाँ? तो बराबर। आंटी भावना। हाँ? आंटी भावना, कल पूजा के लिए मैं आप। हाँ हाँ, वो सारी पूजा की मगर मारी कर रही हूँ बेटा। वो नारियल लाने थे। मैं कुछ मदद करूँ? हाँ हाँ, वो फर्नीचर ये। सॉरी। नहीं नहीं बेटा, वो एक्चुअली कुछ ज्यादा काम नहीं है, वो बस सिर्फ झाड़ू पोता, कपड़ा बर्तन सब करना है, फिर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता और रात का डिनर, और फिर कल सुबह भी उठ के ना वो थोड़ा सा नाश्ता बना दूंगी, चाय कॉफी का सब करके, और फिर उसके बाद में लंच बना दूंगी, बस हो गया। और पूजा की तैयारी तो मैं ऐसे कर दूंगी, इतना ही काम है वो सब मैं कर लूंगी। और ये धूल मिट्टी रेत हटाने में ना मेरा दम निकल जाता है। हाथ चलाने भाई, हाथ चलाने। बोलो, मुझे ही करना पड़ता है पूरा सब घर। आइडिया, आंटी बाबला को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, वैक्यूम क्लीनर। कंट्रीब्यूशन हमारी फैमिली देगी, द ओजा फैमिली, एंड ऑफ कोर्स द घोटाला। अच्छा, ये वर्षा, क्या कर रही हो तुम? नीचे आओ। क्या? इतना मना करने के बावजूद तुम ये वापस अपने सुपर पास का इस्तेमाल कर रही हो? बाहर बारिश हो रही है तो कपड़े नहीं सूख रहे वसंत, तू यहाँ सुखा रही हूँ मैं। अरे वो हाई कमांड ने कहा है हमसे कि हम हमारे सुपर पास का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम मानोगी नहीं। नीचे आओ। हाँ वसंत, चलता है। चलता है नहीं। अब शिशिर, वो कपड़े की क्लिप देखो ना, कहीं गिर गई है, प्लीज देखो प्लीज। हाँ, तुम पहले। अरे क्या कर रहे हो तुम? सुपर पास का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझोगे नहीं तुम। नीचे आ जाओ। हाँ, हिलक। अरे अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा वर्षा, क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो, पहले पहले तुम लंबी हो जाओ। नहीं, लंबी मतलब तुम ओरिजिनल साइज पे आ जाओ। चलो, कमांड डांटने वाले वर्षा। अरे वर्षा, ये देखिए क्लिप। देखिए क्लिप क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है?
क्या कहा हाई कमांड ने कि हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैं चिल्ला रहा हूं? नीचे आओ तुम वर्षा। अरे भैया भैया आ जल्दी आओ। भैया मेरे एक ऐसा लॉजिक लगाया ना कि हमें 2015 के नहीं, एक मिनट लॉजिक को मारो गोली। भाभी को बोलो क्यों नहीं चाहिए तुरंत अभी इसी वक्त। हाँ हाँ भैया मैं बात करता हूँ भाभी। हाँ लेकिन क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था भाभी नीचे आओ, ऐसे चिल्ला कर बुलाओ। अरे भैया अब वो इतनी ऊंची है मैं चिल्लाऊंगा तो, इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं हूँ। मत सोचो, तुम्हें जितना कहा गया उतना। ओहो बाबा ये बाकी था। तुम सबका पागल हो गए हो पापा। कौन सा वाला पागल? दीवाना वाला पागल जैसे फर्नीचर के लिए रोनी अंकल है, या फिर प्यार में पागल जैसे ऐना के लिए शरद चाचा है, या फिर वाले पागल जैसे आप सब है? नहीं नहीं हम सब नहीं, तुम सब ही हो। अच्छा चलो बहुत अच्छा, नीचे आ रही हो नीचे। हाँ क्या क्यों चल रहे हैं आप? अरे सुनिए, हमारे ग्रह से हाई कमांड ने खुद हमसे कांटेक्ट करके ये कहा है कि अगर हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन संभाल कर। मैं तो पहले से जानता था ये। अच्छा यही तो बताने आया था मैं। हाँ हाँ आपको तो सब पता होता है ना सर। हाय कम ऑन जिंदाबाद। क्या नाम है? हेमंत, तू पहले पूरा हो जा, सब नॉर्मल हो जाओ जल्दी। शाबाश शाबाश बचा, क्या चलो भैया। पता है तुम्हारी मानसिक तरंगें पहुंच गई होंगी उसके दिल तक। बचा क्या कर रही हो? चलो फसल में अटक गई हूँ। अटक चल जेब में कूद जाओ। हाँ। हाँ। बस अब चुपचाप रह, मत करो प्लीज। हाय शरद। हाय हेलो। हेलो। आइए 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 बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। ओहो लो, अब भी झाड़ू निकाला था मैंने, इतनी देर में बच्चों ने धूल धूल मिट्टी मिट्टी कर दी पूरे घर में। क्यों? थोड़े दिन में यहाँ ऊंट घूमने लगेंगे। लो ऊंट का नाम दिया कि हाजिर। तू भाई तू काम से? अरे भद्रेश तूने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या हटाना है? इसके दिमाग में जो आलस भरी है ना उसे हटाना है। और राजस्थान एक्सप्रेस आपका कुछ काम नहीं है, आप वापस राजस्थान चले जाइए, यू टर्न मार के जाइए। आपने पूजा के लिए नारियल मंगाए थे ना, वो तू गीले लेकर आई? हाँ फिर भी तुझे इतना भी नहीं पता कि पूजा में चोटी वाले सूखे नारियल रखते हैं? हाँ मैं पोचा सूखा लाई तो आपने बोला गीला ला, अब मैं नारियल गीले लाई तो सूखे ला। अब पहले तय कर लीजिए कि मैं कोई भी चीज लाऊ तो गीली लाऊ कि सूखी लाऊ। फिर भी पोछा और नारियल का क्या संबंध? बस दोनों चीजें पूजा को लेके तो है ना। फिर भी तू अपना दिमाग क्या फ्रिज में रखकर घूमती है?
नहीं पाप, फ्रिज में तो आपकी चाय है। क्या? चाय बहुत गर्म है, मेरी जबान जल गई, ठंडी कर दो, आपके बारे में सोचो, चाय ठंडी करने के लिए फ्रिज में रख। अरे अकल की दुश्मन, शांति शांति, रख पाई तो, नहीं तो नहीं रख पाती हूँ। मुरली भाई ये घर की बहू है, पर वो भी इकलौती दो बच्चों की माँ है ये। नितेश नितेश, कितने सालों से इसे ट्रेन कर रही हूँ, पर ये ट्रेन है कि पटरी पर चढ़ती नहीं है। अरे ए, अरे हंस क्या रहे हो, मेरी बहू गिर गई है। उठ खड़ी हो जा, उठ, ये जब तक पूजा का सारा काम खत्म नहीं हो जाता ना, अपनी शक्ल नहीं दिखाने मुझे, चल जा यहाँ से। शांति रह, काका मुरली बा को लेके आओ, लेके आओ। अरे क्या आई आई है, शादी में स्वागत कर रहे मेरा, अपने घर में खड़ी हूँ मैं तो। बात तू इधर इधर बैठ बैठ, शांति से बैठ तू, और चलो काका मुरली खड़े क्या हो, ये फर्नीचर हटाओ फटाफट चलो। अगर आपने फर्नीचर को हाथ लगाया ना तो पंचर पार दूंगी आपकी राजस्थान एक्सप्रेस में। बा बा काका मुरली गिर जाएंगे। हमारे पीछे तो सोफा भी ना है। चल तू भी उठ, तू झाड़ू मार वरना मैं तुझे झाड़ू से मारूंगी। इस मामले में आप नसीब वाले हैं, इसमें राजस्थान जीत गया। किसमें जीत गया? कर रहे हो, इस मामले में राजस्थान जीत गया ऐसा बोल रही हूँ। एक आपका बेटा है मानव जो देश की सेवा कर रहा है, और ये एक मेरा बाबा है जो मेरी भी नहीं करता है सेवा, और आपकी बहू बनकर आएगी हमारी, है ना? ओए होए क्या खूबसूरत दिखती है वो। हाँ वो बाहर बारिश हो रही है ना, कपड़े सूखते नहीं इसीलिए घर में टांग रहे। इतनी ऊपर नहीं, पहले ये जो क्लोथ लाइन थी वो नीचे थी, लेकिन क्या वो मेहमान आते थे ना तो वो टी शर्ट और बनियान ऐसे मुंह पे लग जाता था, दो तीन तो ऐसे अटक भी गए। हेमंत ने ऊपर क्लिप भी लगा दी, कह रहा था ये बारिश से भीग कर आ रहे तो ये भी सूख जाएंगे, भी ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन इतने ऊपर आपने कपड़े टांगे कैसे? वो मम्मी का हाथ जाता है ना। अरे मम्मी क्या है, वर्षा जो है ना उसको इन सीढ़ियों से ऐसे ऊपर नीचे भाग दौड़ करने का बड़ा शौक है, तो वो ऊपर जाती है ऐसे गीला कपड़ा लेती है ऐसे फेंक देती है, वो टंग जाता है। और अगर कपड़े नहीं टंगे तो हम नीचे होते ना, अभी देखा ना आप जब आई थे हम तीनों नीचे तो खड़े थे, हमें नीचे खड़े रहने का शौक है। वो कपड़े पकड़ते हैं, शिशिर को देते, शिशिर दौड़ के वापस ऊपर जाता है, वर्षा शरद बोलो। हाँ चार पांच घंटे में एक दो कपड़े तो टंग ही जाते हैं, और अगर नहीं सूखते हैं ना तो मम्मी हेयर ड्रायर लेके। हेयर ड्रायर से वर्षा अपने बाल सुखा दिए। हाँ हाँ देखो वो देना कुछ, बिजी रखो। हेमंत ये आंटी ये क्या कर रही है, कंपनी दे इनको। एक्चुअली आंटी भावना के घर में कल एक पूजा है। जी बिल्कुल पता, तो हम सब मिलकर उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। प्लीज गो अहेड, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स देखिए आप लीजिए, आपको जो चाहिए वो पेंटिंग है, लैंप है, पर्दे भी है। कैश कैश हाँ एग्जैक्ट, तो दीजिए ना कैश। हाँ और हाँ, हम सब लेडीज मिलके गिफ्ट सेलेक्ट करना चाहती हैं, तो वर्षा भाभी कहाँ है? पापा की जेब में। हाँ नहीं नहीं, वो कहते ना कि मैं इतना शातिर हूँ कि पूरी दुनिया को अपने जेब में रखता हूँ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो और ये भी थोड़ा है। ये तो बात आप मतलब फिक्स ही कर लो, कहीं भी हो तो ये पसंद पसंद।
गर्मी हो रही है, मुझे दम घुट रहा है मेरा, कुछ कीजिए ना। ये आवाज कहाँ से आई?